गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जस्टिस लोडा रिफॉर्म चैनल से राकेश हांडा बोल रहा हूँ। और काफी दिन बाद मैं काफी चीजें नोट भी करता रहता हूँ, फिर मैं बहुत दिन बाद सोचा कि एक छोटी सी वीडियो डालनी चाहिए। एक तो मैं जो मिस्टर भल्ला हमारे रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर बिहार से खेले हैं, उनकी रिकवरी पे, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट पे उनको बधाई देता हूँ। मेरी एनपी सिंह के बेटे से भी बात हुई थी, उसकी भी रिपोर्ट मेरे को लगता है आज जो आ रही है वो भी नेगेटिव आई, क्योंकि ही इज ऑल्सो वेरी चेयरफुल एंड ही सीम्स वेरी ऑल राइट। मोर ओवर राजस्थान स्टेट में भी कुछ लोगों को, हमारे क्रिकेटर्स हैं जो वुमेन क्रिकेटर हैं, उनको भी पॉजिटिव आया, तो मेरी कल बात हुई उनसे। उनको वो तो काफ़ी रिकवरी पे हैं, क्योंकि उनको एक वीक से ज़्यादा हो गया उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट थी, बट उन्होंने घर पे क्वारंटाइन किया हुआ है एंड दे आर टेकिंग वेरी केयर एंड दे आर वेरी हेल्दी ऑल्सो। बाकी अभी तक उनको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं आई, तो इसलिए इसका मतलब कि उनको काफ़ी ज़्यादा रिकवरी पे। तो इसलिए मैं ये देखता हूँ कि सब थोड़ा सा, अब हमारे क्रिकेटर्स जितने भी हैं वो थोड़ा ध्यान भी रखें, क्योंकि ये जब वही हैं चीज़ें, बातें तो वही हैं कि आप डिस्टेंस मेंटेन करो, हाथ धो और मास्क लगाओ। पर उसके साथ साथ एक चीज़ और बड़ी अच्छी नज़र आई है, जो ICA के लिए एक बड़ा अच्छा एक और भी है बात, कि कुछ बुकीज की, कुछ मैच कराने की, प्राइवेट क्रिकेट कराने की बातें चल रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर्स पे आ रहा है कि ये कुछ मैच कराते थे पर्सनल ग्राउंड मैनेज करके, तो ये काम तो स्टेट एसोसिएशंस का भी है। मोर ओवर जस्टिस लोडा ने भी कहा है अपनी रिकमेंडेशंस में कि इसको लीगलाइज कर दो, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा इशू नहीं है, ये तो पार्लियामेंट कर सकती है, इसलिए ये इशू तो उनका, बट अगर लीगलाइज होता है तो ये इश्यूज नहीं आएंगे जैसे ये इश्यूज हैं। अगर ये इशू है भी, कुछ हुआ भी है, ये गड़बड़ हुई है, तो उसमें तो बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे कमेंटेटर्स, बहुत सारे अंपायर्स, बहुत सारे रेफरीज एंड बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, उसके बिना तो नहीं हो सकता। और जिस स्टेट में हो रहा है उस स्टेट में तो पता ही होगा, और ये तो स्टेट ऐसे उनकी इतनी देर छोटी छोटी बातें इनको पता है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में इनके सेक्रेटरीज, इनके ऑफिस बेयरर्स हैं, तो इनको कैसे नहीं पता चला। तो इससे कई चीज़ें लिंक से मिलती हैं, कई चीज़ें आपको आपके जहन में आएंगी कि क्यों ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, और क्यों इतना बड़े इशू पे, इतने बड़े लेवल पे, और जिसमें पुलिस भी आ गई, BCCI एंटी करप्शन विंग भी आ गया, ICC भी जंप इन करेगी, और बड़े लोग आएंगे इसमें, मीडिया भी बहुत पूछ रहा है, हमसे भी पूछ रहा है, मीडिया वहां भी पूछ रहा है, तो ICA का भी तो रोल है। ICA तो फॉर्मर क्रिकेटर्स की एक बॉडी है, BCCI का रोल है कि BCCI ने फॉर्मर क्रिकेटर बना दिए, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उन्होंने बना दिया, उनको कॉन्स्टिट्यूशन अलग बना दिया कि अब आप अपना काम अपने आप चलाओ, तो कंट्री में कौन चलाएगा क्रिकेट, तो फॉर्मर क्रिकेटर ही चलाएंगे ना जो खेले हैं, स्टेट्स में भी वही हैं, कोचिज भी वही हैं, और अंपायर्स भी वही हैं, रेफरी भी वही हैं, सेलेक्टर्स भी वही हैं, और स्टेट्स में काफ़ी जगह उनकी एकेडमीज भी हैं, तो ये चीज़ें ऐसे नहीं हो सकता ओवरलुक हो जाएं। मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है कि ये कैसे ओवरलुक हो रही है, इतनी बड़े लेवल पे अगर कोई ऑपरेट कर रहा है तो समझ नहीं आया किसी को, पता बहुत लोगों को होगा जो पता नहीं रहे, तो थोड़ा सा तो हमें बाहर निकल के आना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा एक दूसरे को। आप चाहे सीक्रेटली प्रेजिडेंट ICA को बोलो या BCCI प्रेसिडेंट को बोलो, जैसे मेरे दिमाग में कुछ आया, मेरे को कुछ पता चला, तो मैंने BCCI प्रेसिडेंट को भी डाल दिया, PCA प्रेसिडेंट को भी उसकी ऑडियो क्लिप डाल दी, सब जगह डाल दी। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि स्टेट्स में ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज बढ़ गए हैं और बढ़ेंगे, अगर हम रोकेंगे नहीं तो बहुत बढ़ेंगे। कल हमारे एक सीनियर क्रिकेटर्स ग्रुप में भी ये डिस्कशन चल रही थी, तो हमें भी कुछ, ICA का पर्सनली एक बॉडी है, ICA एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ICA का रोल होना चाहिए, ICA डायरेक्टर्स को सोचना चाहिए कुछ कि हमें कैसे वर्किंग करनी है, क्योंकि ये तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा तो आप फॉर्मर क्रिकेटर तो बाहर होते जाओगे, ये नॉन क्रिकेटर ही सिलेक्टर बन जाएंगे, फिर ये नॉन क्रिकेटर ही मैनेजर बन जाएंगे, ये यही सब कुछ करेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि ये ओवर पावर कर जाते हैं और डराते हैं, क्योंकि लोगों को डराते हैं, ये है इनके पास कुछ नहीं, इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको डरा के अपनी सीट मेंटेन करनी चाहते हैं, और हमारे क्रिकेटर इनकी फॉलो करते हैं, इनको पता नहीं क्यों फॉलो करते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आया आज तक। हमें जरा केयरफुली और इन चीज़ों को, जिसको पता है, सबके व्हाट्सअप नंबर हैं ग्रुपों में, बता सकते हैं, सीक्रेटली बता सकते हैं कि ये इश्यूज कहाँ पे चल रहे हैं, तो इसको हाई लेवल में टेकअप भी किया जा सकता है। तो वैसे तो हम तो साथ चाहते हैं गवर्नमेंट लीगलाइज ही कर दे इसको, अगर लीगलाइज होता तो सबको, गवर्नमेंट को भी फायदा, तो सबको एडवांटेज है, अगर जब तक नहीं होता तो इसको, इश्यू को आप जरूर बताओ, BCCI में बताओ, ICA के भी सारे मेंबर्स हैं, ICA के भी सब कुछ लिस्टों में, सब अब तो काफ़ी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और
एपेक्स मेंबर काफी हमारे दोनों ग्रुपों में भी आ गए हैं, तो इसलिए मैं आज चाहता हूँ थैंक्स वेरी मच कि आप लोग इस पे थोड़ा सा, आप हर एक का अपना अपना रोल है, ये मत सोचो कि कोई करेगा कोई करेगा, आप स्टेक होल्डर हो, सारे स्टेक होल्डर्स हैं, आईसीए के स्टेक होल्डर, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे थोड़ी जाएंगे, हमारा काम वो चार बंदे बैठ के थोड़ी काम कर सकते हैं, हमारा भी तो काम उनको फीडबैक देना, उनका काम है एपेक्स बॉडी में फीडबैक देना, तो इसलिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो ये मेरे को लगता है ये इश्यूज सॉर्ट आउट भी हो जाएंगे और काफी सॉल्यूशंस भी निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच।